जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव भोपुर के समीप स्थित राजकीय महाविद्यालय में ककोरी ट्रेन स्पेशल वर्षगांठ दिवस मनाया गया। आज उन शहीदों को नमन, आज उस शहीदों को याद किया गया जिन्होंने ककोरी पर ब्रिटिश सरकार का खजाना लेकर जा रही ट्रेन को रोका था। उन क्रांतिकारियों ने अपने जज्बे को दिखाते हुए देश के ऊपर अपनी बलिदान दिया था। आज उसी के रूप में ककोरी स्पेशल ट्रेन वर्षगांठ मनाया जाता है, जो कि 2024 से 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसमें कॉलेज में सामान्य ज्ञान, नाटकीय भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। हम बताते चलें कि इसमें प्राचार्य विवेकानंद देव उनके स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटक के माध्यम से फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं ने भी उसका कोरी ट्रेन के लूटने के दृश्य को प्रसाद दिया। तो चलिए मेरे साथ अब चलते हैं उसी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी, मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज आपको देश की उस खबर से जोड़ रहा हूं जिसमें हमारे उन सिपाहियों ने, हमारे उन नौजवानों ने देश के लिए अपनी आहुति दी थी। आज क्योंकि काकोरी ट्रेन दिवस मनाया जा रहा है, हम पूछेंगे कि ये जो सब मेरे साथ खड़े हुए हैं राजकीय विद्यालय के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सभी, और सभी ने एक नाटकीय रूपांतर के माध्यम से उस समय की घटना को आज प्रसारित किया है। क्या है घटना और क्यों आज हमें काकोरी एक्सप्रेस की घटना से जाना जा रहा है, तो मैं सारी इन बच्चों से ही पूछूंगा। सबसे पहले आप बताएंगे क्योंकि आप सरदार से लग रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल बखूबी चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ हैं उस समय के। बताएंगे क्या हुआ था, क्यों मनाई जाती है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इनमें हमारे जो देश के लोग थे क्रांतिकारी, उन्होंने इसका अंजाम दिया। इसको जो मतलब ट्रेन आई थी उसमें जो अंग्रेजी खजाना था उसे लूटने का, और इसको अंजाम पहुंचाया। क्यों जरूरत पड़ी थी काकोरी स्पेशल ट्रेन की, क्यों घटना घटी थी? भारत को आजादी के लिए हमारे देश स्वतंत्रता सेनानियों को धन की आवश्यकता थी, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने काकोर सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूटने का प्रयास किया, और उसमें 9 अगस्त 1924 को सफल भी हुए। क्योंकि हमारे जितने भी मतलब क्रांतिकारी थे उनमें से चारों को फांसी हुई, मतलब बहुत सारे पकड़े भी गए। बता रहे हैं आज हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि जब हमारे देश को धन की आवश्यकता थी, उन क्रांतिकारियों को उसके लिए उन्होंने बनाया योजना बनाई थी कि हम काकोरी पर उस ट्रेन को रोकेंगे जो ब्रिटिश सरकार का पैसा लेकर जा रही है। उस ब्रिटिश सरकार की ट्रेन को रोका, उसको लूटा, और क्रांति की घटना उसको आगे भी बढ़ा। और मेरे साथ क्या हुआ था बताएं आप,
काकोरी स्पेशल एक्शन क्यों मनाया जाता है, आज क्यों वर्षगांठ मनाई जा रही है? क्योंकि उस दिन बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, इसलिए मतलब ये मनाया जाता है उनकी याद, मतलब उनको याद करने के लिए। मेरे साथ बताया कि वाकई के किस तरीके से काकोरी स्पेशल का वर्षगांठ मनाई जा रही है। मेरे साथ वो ट्रेन के डिब्बे भी हैं जिनको लूटा गया था, क्या कहेंगे, क्योंकि आप ट्रेन में थे, आप ब्रिटिश सरकार में भूमिका निभा रहे थे आप। खैर कोई नहीं, बच्चे नर्वस हैं और बाकी जो आज इन्होंने अपना नाटक रूपांतर से जो प्रसारित किया है इस घटना को, इस घटना को जो प्रसारित किया, बार बार हम ऐसे बच्चों को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आज भी उनको इतिहास का वो दिन याद है जो उस समय घटा था। क्या हुआ था काकोरी? काकोरी में सर जो हमारे क्रांतिकारी थे, चार लोग थे, जैसे अब्दुल खान, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार। संदेश देता है ये आज की हमारा जो आज जो मनाया जा रहा है काकोरी जो एक्शन ट्रेन एक्शन मनाया जा रहा है, क्यों वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्यों मनाई और क्यों जरूरत पड़ी थी इस दिन? क्योंकि इसमें हमारे क्रांतिकारी कुछ लोग थे, उन्हें दोबारा याद बुलाने के लिए, इसलिए हम काकोरी ट्रेन का वो बनाते हैं। आज जो हम वर्षगांठ मना रहे हैं, हम इतिहास को याद कर रहे हैं, उन शूरवीरों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हम पूरे देश में सांस ले पा रहे हैं। तो मैं बार बार नमन करना चाहता हूं ऐसे उन विद्यार्थियों को जिन्होंने आज उस नाटक के रूपांतर के माध्यम से इस घटना को प्रसारित किया, और वाकई वो भी काबिले तारीफ जो आज इन्होंने घटना की है, अपने ट्रेन भी लूटी और सारा जो सुभाष चंद्र बोस भी मौजूद है, सब उस घटना को प्रसारित किया, और बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं राजकीय विद्यालय के उन सभी टीम का, प्राचार्य और जो उस टीम को नाटक रूपांतर करा, वो बता रहे हैं कि एक साल तक इस तरीके से निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। आज नाटक रूपांतर हुआ है, कल कुछ और कार्यक्रम होगा, ताकि हम आने वाली 9 अगस्त 2025 को वर्षगांठ संपन्न होगी, उसको हम पूरी तरीके से मनाएंगे। चले मेरे साथ आज के विद्यालय से मैनेजमेंट टीम है, प्रधानाचार्य प्राचार्य सर हैं और सभी अध्यापक अध्यापिका हैं। सर क्या हुआ था आज, क्योंकि शुरुआत आप ही से करेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन क्यों मनाई जा रही है आज वर्षगांठ? जो सरकार के द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम फिर से जो काकोरी जो कांड हुआ था, जो एक्शन हीरोज थे उनको फिर से पुनर्जीवित करके लोगों के जहन में लाने के लिए ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, और ये एक साल तक 9 अगस्त 2025 तक, जैसे कि आज शुरुआत हो गई है, तो वो इसका अंतिम चरण 9 अगस्त 2025 में संपन्न होगा, और जो वर्षगांठ है के रूप में इसे हम मना रहे हैं, और बीच बीच में जो कार्यक्रम होंगे वो चलता रहेगा और निरंतर चलता रहेगा और बिना रुके, और पूरे ये एक कार्यक्रम है जो कि पूरे बुलंदशहर जिले में चलना है, और ये हमारे महाविद्यालय का ही कर्तव्य दिया गया है, जिससे जिसमें कि इस कार्यक्रम को चला के जो युवा पीढ़ी है उनको फिर से याद दिलाएं कि हमारे क्रांतिकारी किस तरह से थे और क्या क्या किए थे। बता रहे कि वर्षगांठ के जो 2025 तक चलना है, विदेशों की जो ब्रिटिश सरकार की जो ट्रेन हमने रोक दी थी, लेकिन ये जो हमारे कार्यक्रम की ट्रेन है ये नहीं रुकेगी, ये वाकई उन शहीदों को नमन निरंतर करती रहेगी कार्यक्रमों के माध्यम से। मैडम क्या कहना चाहते हैं उन शहीदों के लिए और क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के लिए जो आज नाटक रूपांतर के माध्यम से उन्होंने? मैं इस संदर्भ में बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने उन लोगों को फिर से, और गवर्नमेंट ने ये आज प्रोग्राम के लिए मनाने के लिए बात कही, तो उन लोगों के नामों को फिर से लोगों को जहन में आए, और इन सभी क्रांतिकारियों के विषय में एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी और युवाओं के लिए, कि चाहे वो राजेंद्र लाहिड़ी हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, और चाहे और भी जो भी थे, वो इतने जागरूक उस समय के युवा थे, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, पर विदेशों में क्या हो रहा है, वो प्रेरित थे अमेरिका की क्रांति से, वो प्रेरित थे फ्रांस की क्रांति से, वो जानते थे कि क्या चल रहा है विश्व में, वो सब लोगों ने क्या किया है, तो वो वहां से प्रेरणा ले रहे थे और अपने देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, और यही अपेक्षा मैं चाहती हूँ, मैं भी यही अपेक्षा चाहती हूँ कि जो हमारा जो आज का युवा है, जिसमें हम भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी हैं, वो भी जो भारत में जो भी
चीजें चल रही हैं, भारत में जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो केवल भारत उनका केंद्र नहीं है, पूरे विश्व से कहीं ना कहीं वो प्रेरित रहते हैं। कहते हैं ना वसुधा कुटुंबकम, तो वो जो एक परिवार है वो इन सारी घटनाओं से प्रेरित होता है, इन सारी घटनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो काकोरी की घटना उस समय इन सारी घटनाओं से प्रेरणा लिए थी, प्रभावित किए हुए थे इन लोगों को, और इन लोगों के अपने मौलिक विचार थे जिन, और कोई उस समय सोच नहीं सकता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो खजाना वो कोई एक सामान्य से दिखने वाला युवा ये सब कर सकता, उन्होंने वो करके दिखाया। और खैर ये उन्होंने जो किया वो उसके लिए अमर है, शहीद है, हम उन सबको नमन करते हैं, नमन करते हैं उन अमीर शहीदों को जिन्होंने हमारे देश में आज जो हम सांस ले पा रहे हैं उनको आजादी की हमें सांस दिलाई। मैडम हमने इतिहास के पन्नों में शहीदों को पढ़ा है, इतिहास के पन्नों में उनकी शहादत को पढ़ा है, लेकिन आज कॉलेज में इन बच्चों ने उस शहादत को अपने नाटकीय रूपांतर के माध्यम से हमको दर्शाया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बच्चों ने हमारे काफी अच्छा प्रयास किया और गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि देखिए आज देश को एक राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है। बच्चों ने जो देखा उससे आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी करके गई है उसको अगर थोड़ा सा बच्चों को बताया नहीं जाएगा तो उनके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। पहले लोग देश के लिए लड़ गए, आजकल का बच्चा अब सिर्फ अपने लिए लड़ता है। तो मैं ये कहूंगी कि उनको ये सीखने की जरूरत है, एक्शन कितना बड़ा एक्शन था। अब बच्चा से फिल्मों के एक्शन देखना पसंद करता है, तो ऐसे फिल्मों के एक्शन से हटके जो गवर्नमेंट ने भी किया और कि बच्चों को दिखाया जाए, उनको सिखाया जाए, तो एक बहुत अच्छा प्रयास है कि बच्चे आजकल के ये मॉडर्निटी और रियल लाइफ से निकल के जो वास्तव में एक रियल लाइफ है और जो नेशन के लिए बहुत जरूरी है रियलिटी, वो रियलिटी पुरानी भी अच्छी है जो हिस्ट्री में थी, और आज भी बच्चों को बहुत अच्छी नई चीजों को सीखना है और पुरानी को भी फॉलो करना है। तो मैं तो ये कहूंगी कि देशभक्ति की जरूरत जो है वो इन्हीं एक्शन से बच्चों के अंदर एक रिएक्शन आए, तो वो बहुत अच्छा प्रयास है। मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि उन देश के शहीदों ने देश की आजादी को लड़ा था, लेकिन आज के जो नौजवान है वो घर में मोबाइल के नहीं लड़ रहे हैं, तो ये कहना था मैडम को, क्या कहना चाहते हैं मैम आप भी? मैं तो बस आज इस अवसर पर पहले तो बच्चों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और पुराने अपने हीरोज को याद किया, जो आजकल के हीरो को छोड़ के रियल हीरो जो थे उनको वो देखेंगे, जो अभी मैम ने जैसा बोला तो वास्तव में रियल हीरो वो थे, हमें उनको फॉलो करना है कि वो देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर गए, तो इसलिए अब उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए आज के युवाओं को कि वो देश की स्वतंत्रता के लिए इतना कुछ कर गए, तो आज के युवाओं को हमारे देश के विकास के लिए आगे आना चाहिए और सिर्फ अपना स्वार्थ छोड़कर देश के विकास में और बाकी जो चीजें हैं धर्म या जाति या जिस भी प्रकार की भी चीजें हैं उन सबसे उठकर देश के विकास में सबको मिलकर साथ देना चाहिए। पता है देश की हमें जो धर्म की राजनीति हुई, धर्म के बारे में बात करनी है उसको नहीं, केवल हमें देश की बात करनी है, देश के लिए आगे बढ़ना है। इसे क्या कहना चाहते हैं आज इस बच्चे के इस तरीके के प्रोत्साहन को कैसे आप सम्मान करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी चीज यहाँ पे जो हम लोग इतिहास के पुस्तकों में पढ़ते थे तो उसको पढ़ते थे काकोरी कांड के नाम से, और एक बड़ा ही सार्थक हस्तक्षेप दिखता है कि उसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और बहुत ही सार्थक हस्तक्षेप है, क्योंकि जब हम अब इसको काकोरी कांड कहते हैं तो हम उसी कॉलोनियल या औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार होते हैं हम, एक तरह से ये डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया है कि नाम इसका हम पहले दुरुस्त कर लें, तो इसलिए बहुत सार्थक हस्तक्षेप लगता है। और जहां तक युवाओं की बात है, जिस समय ये काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया, अगर उसको उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ में आप देखेंगे तो हिंसा और अहिंसा के बरक्स, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन और अहिंसा के रास्ते पे देश स्वाधीनता आंदोलन जा रहा था, युवाओं ने अपना रास्ता जो है चुना इस तरह से, वो अपना योगदान देना चाहते थे अपनी शहादत के माध्यम से, क्योंकि दोनों लोग राष्ट्र की आजादी चाहते थे, तो उस ऐतिहासिक संदर्भ में बड़ा जरूरी हस्तक्षेप था, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया था, तो युवा क्या करें, उनको उस धारा को आगे बढ़ाना था, इसलिए बड़ा जरूरी है। और आज के युवाओं को भी याद करना, इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि किस समय वो ऐतिहासिक क्षण हमारे समय हर समय आसपास मौजूद हो जा होता है, और हमको कहाँ सार्थक हस्तक्षेप करना। क्या कहना चाहते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि आज युवाओं को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो काकोरी एक्शन की घटना है वो युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि जैसे भारत सरकार की योजना चल रही है कि पूरे इतिहास को एक बार से दोबारा खंगालने इतिहास को खंगालने के क्रम ये हो रहा कि अनसंग हीरोज जो अनकहे हीरो हैं जिन्होंने इतिहास में ऐसे बहुत से हीरो हैं जो आजादी के लिए लड़े उन्होंने लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं आता नहीं, तो सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है ये कि ऐसे हीरोज को खोज खोज के लाना, ऐसी घटनाओं को सामने लाना जिससे हमारे युवा प्रेरित हो सके और युवा प्रेरित होने के साथ साथ ही उन घटनाओं से अपने आप को जोड़े और हर ऐसी घटना के लिए हर ऐसी चीज के लिए जहां पर देश की एकता और अखंडता में जहां कुछ लग रहा है यहां जरूरत है ऐसे हर युवा को उस घटना से जुड़ने की जरूरत है, उस तरह के काम को करने की जरूरत है। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा माहौल यही है, सबसे अच्छा मैसेज यही है इस शताब्दी वर्ष जो मना रहे हैं काकोरी एक्शन ट्रेन का महोत्सव जो मना रहे हैं सबसे बढ़िया मैसेज ये होगा कि देश में समाज में जो घटनाएं घट रही जो समाज को तोड़ने वाली हो सकती है उन समाज को तोड़ने वाली घटनाओं को से हट करके जोड़ने वाली क्रिया को करें। ये था हमारे साथ कॉलेज मैनेजमेंट जिन्होंने बताया कि काकोरी एक्शन क्यों हुआ और काकोरी एक्शन और काकोरी ट्रेन क्यों लूटी गई। उन्होंने ये भी बताया कि युवा जो हमारा भटक चुका है उसको हमको भटकने नहीं देना, इस तरीके की ऐतिहासिक घटनाओं ने आज हमको जिसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में मना रहे हैं ये हमें वाकई उन युवाओं को जागरूक करेगी जो आज इससे जुड़े हो। चले मेरे साथ मैं और खबर की ओर लेकर चलता हूं।